रामकृष्ण मिशन से आपका बरसों पुराना रिश्ता है। आपने कई बार मुझे भी कहा है कि पूर्व प्रेसिडेंट स्वामी आत्मस्थानंद जी, आप उनके सेवक रह चुके हैं, वो मैग्नेट की तरह आपको बंगाल की ओर खींचते थे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चुनावी राजनीति में रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन को घसीटा जा रहा है। एक तो ये कितना दुखदायक है आपके लिए, दूसरे आपके बंगाल के विरोधी ये भी बोल रहे हैं कि आपके पुरुलिया वाले सभा में, रैली में, वहाँ भारत सेवाश्रम संघ के महाराज थे, तो वो भी क्यों, मतलब ये भी संघ का राजनीतिकरण हो रहा है। पहली बात ये है कि जहाँ तक मेरा जीवन का सवाल है, मेरे जीवन में बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मैं घर छोड़ा तब मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था, विवेकानंद जी थे, बंगाल था, रामकृष्ण मिशन थे, और मेरा पहली जो मेरी भेंट हुई स्वामी आत्मस्थानंद जी से हुई, तब उनकी आयु भी बहुत छोटी थी, मैं तो बच्चा था, तो मुझे उन्होंने निराश नहीं किया। कई दिनों तक मैं वहाँ रहा रामकृष्ण मिशन में, उन्होंने मुझे काफ़ी मदद, जीवन भर मेरी मदद की, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, और क्योंकि मैं जब निकला तब कहाँ जा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं था, और कौन मिलेगा, कैसे बात होगी, लेकिन ये एक प्रकार से जो एक मेरी नई दुनिया की शुरुआत की एंट्री पॉइंट यही था, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और जीवन भर वो करते रहे। और मज़ा ये है कि मैं सीएम बना या मैं पीएम बना, उनको कोई लेना देना नहीं था, उनके लिए तो मेरा नरेंद्र, वो मुझे हमेशा तू करके बुलाते थे, मेरी माँ कभी मुझे तू नहीं कहते थे, आत्मस्थान जी मुझे तू कह करके बुलाते थे आखिर कभी, और जब मैं अस्पताल में मिलने गया तो भी वही भाव था उनका, तो मेरा वो एक अलग नाता रहा है।